नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। कैसे हो? नमस्ते। अच्छे हो। आपको पता है आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? जी, ये बताइए, यदि आपको अपने से दूर रहने वालों को कोई संदेश देना है तो आप क्या करते हैं? आप बताइए बेटा। मैम, फोन, एसएमएस, ईमेल। फोन, एसएमएस, ईमेल। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। हम फ़ोन करते हैं, हम एसएमएस करते हैं, हम ईमेल करते हैं, मगर ये सारे तरीके हमारे आधुनिक तरीके हैं। आधुनिक तरीके हैं? Yes, ma'am. जरा सोचो कि अब से सदियों पहले प्राचीन समय में जब लोगों को संदेश देना होता था तो वो कौन से तरीके अपनाते होंगे? कौन से तरीके अपनाते होंगे बताइए। चिट्ठियों से। तो आज हम चिट्ठियों के बारे में और ज्यादा जाने? Yes, ma'am. चलें चिट्ठियों की दुनिया में? Yes, ma'am. जी दिव्या, आप पढ़ें बेटा। पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? दिव्या, संतोष फिर से पढ़िए। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कदिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर दायरा एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। जी, पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, बैठ जाइए बेटा। हमने देखा कि पत्र हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। एक और चीज़ हमने पढ़ी कि हर भाषा में पत्र का नाम अलग होता है। कौन बताएगा मुझे अलग अलग भाषाओं में पत्रों के क्या नाम होते हैं? बताइए स्टेंजन। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। जी बहुत अच्छे बेटा, तमिल में कड़िद कहा जाता है। और हमने एक चीज़ देखी इसमें कि पत्र हमारी यादों को सहेज के रखते हैं। कैसे सहेज के रखते हैं, कौन बताएगा? आप बताइए बरखा। जब हम अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हैं हमारी यादें ताज़ा हो जाती है। वैसे ही जैसे हम अपने पुराने पत्रों को देखते हैं हमें बहुत खुशी होती है और हमारी यादें ताज़ा हो जाती है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। बरखा ने बताया जिस प्रकार पुराने फोटो देख के हमें अपनी पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं, ठीक उसी तरह से जब हम कोई पुराना पत्र पढ़ते हैं तो भी हमें अपनी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इसीलिए हमने पढ़ा कि पत्र हमारी पुरानी यादों को सहेज कर रखते हैं। आगे पढ़ें। Yes, ma'am. कौन पढ़ेगा? कलश, आप पढ़िए बेटे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं,
उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों में ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बैठ जाइए। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्रों के विकास पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। क्या बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्रों के विकास के बारे में? कौन बताएगा? आप बताइए बेटे आरुषि। मैम, पत्रों का विकास हजारों युग पहले हुआ था। हजारों सालों तक संवाद का साधन केवल तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाना शुरू किया। जी, तार जो हैं वो रेलों की सहायता से तेज गति से संवाद पहुंचाने लगे। बैठ जाइए बेटा। आरुषि ने बताया कि लंबे समय तक केवल तेज धावक या तेज घुड़सवार ही संदेशों को लाने ले जाने का काम करते थे। जब भी कोई संदेश भेजना होता तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता जो बहुत तेज दौड़ता है। परंतु जैसे जैसे हमारी परिवहन व्यवस्था विकसित होती गई, हमने नए नए और तेज परिवहन के साधन ढूंढते रहे। ठीक उसी के साथ साथ हमारे संदेशों की गति भी बढ़ती रही। बाद में हमने रेलों का विकास किया जिससे हमारी परिवहन व्यवस्था बहुत अधिक तेज हो गई, उसकी गति बहुत अधिक बढ़ गई। तो डाक सेवा ने रेलवे की सहायता से संदेशों को बहुत ही तीव्र गति से पहुंचाना शुरू कर दिया। विश्व डाक संघ ने पत्रों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया। क्या प्रयास किया? कौन बताएगा? आप बताइए ईशा। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के आयु बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसका सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। जी, बैठ जाइए। विश्व डाक संघ ने पत्रों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की, और वो कब शुरू करी? 1972 से। 16 साल से ऊपर जो भी बच्चा है वो उसमें भाग ले सकता है। हमने जाना कि व्यक्तिगत पत्रों का चलन अब लगभग खत्म हो चुका है। आपने ही बताया कि जब हमें संदेश देना होता है तो हम फ़ोन कर देते हैं, SMS कर देते हैं, पर पत्रों का लेखन तो अभी भी चालू है। तो किस प्रकार के पत्रों का लेखन अभी भी चल रहा है? कौन बताएगा? आप बताइए निकिता। मैम, आज के समय में सिर्फ व्यापारिक पत्रों का चलन ही रह गया है। जी, बैठ जाइए। आज के समय में केवल व्यापारिक पत्रों का चलन ही रह गया है। ये व्यापारिक पत्र होते कैसे हैं, क्या आप जानते हैं? नो मैम। नहीं जानते। व्यापारिक पत्रों से अर्थ है ऐसे पत्र जिनमें व्यापार और वाणिज्य की बात हो। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम केवल बोलकर उसमें संदेश नहीं दे सकते। यदि किसी व्यक्ति की नई नई नौकरी लगी है तो हम उसको केवल फोन पर संदेश नहीं दे सकते कि आप आइए और यहाँ पे कार्य करना आरंभ कर दीजिए। हमें उसे एक नियुक्ति पत्र देना होता है और वो नियुक्ति पत्र हम डाक के द्वारा भेज सकते हैं। आप समझ में आया? Yes, ma'am. आगे पढ़ें? Yes, ma'am. कौन पढ़ेगा? पूजा, आप पढ़िए।
जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप उसकी बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्र का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जैसे उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजे और सजाकर विरासत के रूप में रखा हुआ हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्रों रचनाओं अपने आप में ही अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार का विषय है, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। किंतु कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धाराओं उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझाने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्रामों के दिन में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखा, वह आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गया। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। बैठ जाइए। हमें पत्रों से यह जानकारी मिली कि हमारे आज़ादी का महासंग्राम कैसा था। पुराने पत्रों को बहुत सहेज के रखा जाता है। क्यों सहेज के रखा जाता है, कौन बताएगा? हर्षिता, आप बताइए बेटे। पुराने पत्रों को संभाल कर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि पुराने पत्रों में पुरानी बातें लिखी गई वह तो बहुत ताज़ा हो जाती है, और जिस समय में वह पत्र लिखा गया है उसकी भी हमें जानकारी मिलती है, और उसे पढ़कर बहुत आनंद प्राप्त होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी तस्वीर को देखकर आनंद मिलता है। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बैठ जाइए। पुराने पत्रों को पढ़ के हमें वैसा ही आनंद मिलता है जैसे हमें पुराने चित्रों को देख के आनंद मिलता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो बताई वो ये कि पुराने पत्रों से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। यदि हम नेहरू जी के लिखे गए पत्रों को पढ़ें जो उन्होंने जेल से अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे थे, तो हमें आज़ादी के संग्राम की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक है, साथ ही हमने महात्मा गांधी जी के बारे में जाना कि उनको लिखे गए पत्रों पे केवल महात्मा गांधी और इंडिया लिख दिया जाता था। ऐसा क्यों होता था, कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए सिमरन। महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी जाते थे वहाँ पहुँच जाते थे क्योंकि महात्मा गांधी और इंडिया को सभी जानते हैं। जी, महात्मा गांधी जी को सभी जानते थे और इंडिया को भी सभी जानते थे, तो केवल इंडिया महात्मा गांधी जी करके पत्र लिख दिया जाता था और वो पत्र महात्मा गांधी जी तक पहुंच जाता था। ठीक है, yes, आगे पढ़ें। yes, कौन पढ़ेगा, आप पढ़िए ममता। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंचे जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों
के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दायना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए बेटा। महात्मा गांधी जी पत्रों का जवाब तभी के तभी तत्काल दे दिया करते थे। साथ ही हमने गांधी जी के पत्र लेखन के बारे में भी कुछ खास बातें जानी। कौन बताएगा मुझे गांधी जी के विषय में कि वो पत्र कैसे लिखते थे? आप बताइए ज्योति। गांधी जी को पत्र मिलते ही वह उसका उत्तर लिखना शुरू कर देते थे। लिखते लिखते जब उनका दाहिना हाथ दुख जाता था वह अपने बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर देते थे। अपने बाएं हाथ से लिखना भी शुरू कर देते थे। बैठ जाइए। गांधी जी की आदत थी कि जैसे ही उनको पत्र मिलता था वो तत्काल उसका उत्तर लिखते थे, और जब लिखते लिखते उनका दायां हाथ थक जाता तो वे बाएं हाथ से लिखना आरंभ कर देते। ये उनकी विशेषता थी कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। आगे पढ़े। Yes, कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए सुनैनी। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए एक गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियां में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की टापियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों पर पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जी बैठ जाइए। चिट्ठी लेकर आने वाले डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो हमारे प्रिय लोगों का संदेशा हम तक लेके आता है। कवि पंत और निराला जी के पत्रों का एक बहुत ही अच्छा संकलन बनाया गया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? कौन बताएगा?
आप बताइए बेटे। इनके पत्रों का संकलन हमें हमको लिखियो पत्र कहा तथा पत्र के आईने में हमको दयानंद सरस्वती में मिलता है। जी बैठ जाइए बेटे। जिन पुस्तकों में हमें इन महान लेखकों के लिखे गए पत्रों का संकलन मिलता है उनका नाम है हमको लिखियो है कहा, दयानंद सरस्वती और पत्रों के आईने में। इसी प्रकार गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्राचार हुआ, जो उनके बीच में पत्रों का लेन देन हुआ, वह भी हमें महात्मा और कवि के नाम की पुस्तक में मिलता है। आगे बढ़ें। Yes, ma'am. एक और प्रश्न है कि मनी ऑर्डर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ आप बताइए बेटे। मैम जब हम डाक सेवा के माध्यम से कहीं दूर पैसे भिजवाते हैं उसे मनी ऑर्डर कहा जाता है। जी बैठ जाइए। जब हम डाक सेवा के माध्यम से कहीं दूर से अपने प्रियजनों को पैसे भिजवाते हैं तो उसे मनी ऑर्डर कहते हैं, जैसा कि हमारे सैनिक भाई करते हैं। वो कहीं दूर से अपने गाँव में पैसे भिजवाते हैं और उसी पैसे से उनके घर का खर्चा भी चलता है। ठीक है। अब ये हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा। चिट्ठियों के बारे में जान के अच्छा लगा? Yes, ma'am. अब आप सब पत्र लिखेंगे? Yes, ma'am. पर पत्र लिखते समय हमें कुछ सावधानियों को भी बरतना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं पत्र में? संबोधन। आप किस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वो व्यक्ति आपसे बड़े हैं उम्र में तो हम लिखेंगे आदरणीय। अगर वो आपके हम उम्र हैं या आपसे छोटे हैं तो हम लिखेंगे प्रिय। ठीक उसी प्रकार पत्र के अंत में आप अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। पत्र को भेजते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे छोटी इकाई सबसे पहले, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद उसके घर का या कार्यालय का पता, उसके बाद उसके उपनगर का पता जिसे हम टाउन कहते हैं, फिर उसके शहर को और उसके राज्य को लिखा जाता है। यदि हम अपने देश से बाहर पत्र भेज रहे हैं तो उसका देश भी लिखना ज़रूरी है। हर स्थान का एक पिन कोड होता है, हम उस पिन कोड को भी लिखते हैं। यदि ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखी हैं तो आपका पत्र निश्चित ही सही पते पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब आप सब लोग पत्र लिखेंगे? जी मैम। बहुत अच्छा, वेरी गुड।